वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, गदर 2 से डर कर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल हुई पोस्टपोन। अरे एनिमल का रिलीज डेट आ चुका भैया, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? वेल फ्रेंड्स, दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। एनिमल का जो पिछला वीडियो था उसी में मैंने बता दिया था कि एनिमल अब दिसंबर में रिलीज होने वाली है, नंबर वन। एंड गदर 2 से क्या वो डरी है नहीं डरी, गाइस ये जब यू नो बचपने में या फिर टीनेज में अच्छा लगता था सुनने के लिए कि ये फिल्म इससे डर कर चली गई, उससे डर कर चली गई है। आज इसी कारणवश इस फिल्म का डायरेक्टर जो है संदीप रेड्डी वांगा, जो कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, क्योंकि इससे ज्यादा ब्लंट, इससे ज्यादा ऑन योर फेस डायरेक्टर क्या इंडस्ट्री में कोई आदमी मैंने देखा नहीं है। जिस तरह से लुक लेकर आया वो स्मैशिंग, हमको हमारी पुरानी दाढ़ी याद आ गई भाई। फुल दाढ़ी वाड़ी रखा, लंबे बाल लेके क्या बात कर रहा था, फुल आई कांटेक्ट बना रहा है, खुद अपना कैमरा चालू किया, वीडियो बनाया, सीधा अपलोड कर दिया। हिज 2 मिनट स्पीच इज इनफ फॉर मी टू बाय माई टिकट फॉर एनिमल फर्स्ट डे फर्स्ट शो। उसकी जो स्पीच दिया उसने, जो बात करने का तरीका है, दैट शोज हाउ कॉन्फिडेंट ही इज ऑफ हिज क्राफ्ट एंड द फिल्म। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली एनिमल जो है वो क्यों पोस्टपोन हुई है, एनिमल का रिलीज डेट क्या है। तो गदर 2 से डर कर कोई भी यहाँ पोस्टपोन नहीं हुआ, ऐसा होता तो OMG 2 डर के नहीं चली जाती, क्यों OMG 2 भी यहाँ रिलीज होने के लिए। गाइज गदर 2 इज अ बिग फिल्म, वी ऑल नो अबाउट इट, ठीक है गाइज। जब फिल्म आएगी हम देखेंगे उसको, उसमें देर इज नो डाउट। तो काइंडली रिलैक्स एंड काइंडली होल्ड योर हॉर्सेस, एंड अब बताता हूँ एग्जैक्टली कि संदीप रेड्डी वांगा ने क्या कहा है। एंड एपिसोड बनाने का कारण ये है कि संदीप रेड्डी वांगा हैज गॉन ऑल आउट। उन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एनिमल के बारे में शेयर की है, सुनने के बाद आप भी सोचने लगोगे भैया हम क्या सोच रहे, तो क्या है ये गाइस। संदीप रेड्डी वांगा की जो लास्ट फिल्म थी, चाहे कबीर सिंह हो या अर्जुन रेड्डी, म्यूजिक प्लेड अ वेरी पिवोटल रोल। कैसे हुआ बेख्याली, जितने भी गाने थे यहाँ पे कबीर सिंह के, आई थिंक 6-7 गाने थे, सब ब्लॉक बस्टर थे, चार्ट बस्टर थे, इवन अर्जुन रेड्डी के सारे गाने। तो हम ये भूल गए कि एनिमल जो कि टी सीरीज के बैनर के अंडर बन रही है, उसका म्यूजिक भी बाप होगा। एंड गाइस सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है कि मैं अपने फिल्म के क्वालिटी के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, उसने मुंह पे बोला। आई नो दिस इज जेनेरिक आंसर, बहुत ही जेनेरिक आंसर है, बहुत ही जेनेरिक रिप्लाई है, लेकिन मैं पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के बारे में आपको समझाकर आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करूंगा। उसने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, यानी कि 10 काम जो है जिसकी वजह से इस फिल्म को डिले किया जा रहा है, उसमें से सिर्फ उसने एक का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि इस फिल्म में 7 गाने होने वाले हैं, 7 गाने होने वाले हैं इस फिल्म में। अरे भैया रणबीर हॉट सीन दे दीजिए भाई इस फिल्म में, मजा आ जाएगा। तो गाइस 7 सॉन्ग, एंड सबसे बड़ी बात है फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है। देखिए यूजुअली हम देखते हैं कोई फिल्म जो साउथ में डब होकर जाती है, बहुत कम मेहनत होती है उसके ऊपर, हर लैंग्वेज में एक लिरिसिस्ट को पकड़ लेते हैं, 2 सिंगर्स को पकड़ के कुछ भी गाने बनाकर चले जाते हैं। पठान के तुम गाने देखो तेलुगु में, जबरदस्त गाने तेलुगु में, तमिल में जो दोनों वर्जन्स के थे, लिरिक्स फैबुलस, गाने फैबुलस, ऐसा लग रहा था कि मेहनत की गई है उन गानों के पीछे। एंड गाइस यहाँ पे वांगा ने कहा है कि मेरी फिल्म 5 भाषाओं में आ रही है, 7 सॉन्ग × 5 दैट मेक्स इट 35 सॉन्ग्स, यानी कि 35 गाने हैं मेरे पास, उनके अलग अलग लिरिक्स होंगे, अलग अलग तरीके से वो गाए जाएंगे, दिस विल टेक टाइम। उसने कहा है कि इसको यहाँ पर वक्त लगेगा। एंड सबसे दूसरी बात जो उसने कही थी कि हमने जो देखा था अर्जुन वेली ने, और ये जो सीन था यानी कि रणबीर मारता उन लोगों को जाके मस्त, वो वाला सीन बहुत लोगों को लगा कि प्री टीजर है। यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने ये सीन जो है सिर्फ एक प्रोमो के लिए शूट किया है, ये सीन जो है फिल्म में नहीं होने वाला। वांगा ने आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा है कि ये फिल्म में होगा, दिस विल बी पार्ट ऑफ द फिल्म, यानी कि जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी में सीन शूट हुआ है फिल्म का सीन ही उसने यहाँ पर डाला हुआ है। गाइज यहाँ पर नंबर वन इट इज पार्ट ऑफ द कट ऑफ द फिल्म। अब गाइज सबसे पहली बात तो लिरिकल वैल्यू, यानी कि एक गाना जब हिंदी में बनता है उसके हम डब देखते हैं, ऐसे भी जो पिक्चर थी PS1 कावेरी से मिलने, वो तमिल में सुनो आप,
एंड उसको हिंदी में सुनो, पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने कहा है कि लिरिकल वैल्यू जो हिंदी में, वो जो मैंने रिक्रिएट किया है हिंदी के गाने जो बने हैं, उस सेम वैल्यू में साउथ के लैंग्वेजेस में रिक्रिएट करना चाहता हूँ। यानी कि पब्लिक जब फिल्म देखेगी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने एक डब फिल्म देख रहा हूँ, इतना डीप जा रहा है गाइस यहाँ पर। डेफिनेटली वो एक बाप लेवल की फिल्म बनाने के कगार पर है, नंबर वन। सो नंबर वन द रिलीज डेट, तो अब ये फिल्म आ रही है 1 दिसंबर को, ठीक है। दिसंबर 1 मार्क योर कैलेंडर। सत्यप्रेम कथा के साथ रणबीर कपूर के एनिमल का टीजर अटैच्ड है, प्री टीजर सिनेमा घरों में जाकर आप देख सकते हो। एंड वैंगा ने यह प्रॉमिस किया है कि ये फिल्म की क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी, वीडियो एज वेल एज ऑडियो। उसने ये भी कहा है कि बहुत बड़ी फिल्म है, बड़ी इन द टर्म्स ऑफ यू नो पैसा या स्केल या स्टाकास नहीं, बड़ी इन द टर्म ऑफ कंटेंट। ये फिल्म रिच इन कंटेंट है, नंबर वन। एंड इसका इमोशन जो है, बहुत ही इमोशनल फिल्म है, सभी लोगों को पता है भैया अनिल कपूर रणबीर कपूर सब है पिक्चर में। इसका इमोशनल कंटेंट जो है वो आपको इतना इंगेज करेगा कि हाल ही में ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसने आपको इंगेज किया है, ये उसका प्रॉमिस है। तो आ जाइए 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में, ये हम नहीं भैया वैंगा कह रहे हैं, उसने हिंदी में बोला। तो आ जाइए 1 दिसंबर सिनेमा घरों में रणबीर कपूर का विश्व रूप देखने के लिए। दैट स्टेटमेंट लिटरली गेव मी गूज़बम्प्स देन, एंड व्हेन आई स्पीक दिस एंड मेक एन एपिसोड आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ आल्सो। क्योंकि गाइस जो लुक लिया है ना रणबीर कपूर ने, उससे ही कैनॉट गो रॉन्ग। एंड जिस तरह से वैंगा उसको प्रेजेंट करेगा ना, अलग लेवल की फिल्म बन रही है ना, डेफिनेटली अच्छा डिसीजन है कि जब आपके पास कंटेंट जो है इतना स्ट्रांग एंड रेडी नहीं हो पा रहे हो तो मत आओ उस रिलीज डेट पर। सो गाइस गदर 2 से को डरकर एनिमल पोस्टपोन नहीं हुआ है, इज अ वैलिड रीजन। 10 में से एक पॉइंट उसने भी बताया है, दे वांट टू गिव अस अ गुड फिल्म। ऑल सेड एंड डन गदर 2 आ रही है 11 अगस्त को। अपना जितना प्यार है YouTube वीडियो के कमेंट्स के नीचे तो दीजिए दीजिए, लेकिन जब फिल्म रिलीज होगी तब बॉक्स ऑफिस पर भी देना जाकर, समझ में आ रहा है, वहां टिकट खरीद के भी देना आप लोग जाकर। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। सो गाइस सुबह से बहुत डिमांड थी इस एपिसोड को लेकर, इसलिए मैंने एपिसोड बनाया। क्योंकि गाइस दीज थिंग्स नीड टू गो टू द ऑडियंस। क्योंकि गाइस रणबीर कपूर, मैंने उसी दिन आपको कहा था, अपने करियर के वो स्टेज पर है जहाँ उसको कोई फेस्टिवल की जरूरत नहीं है, वो अपने रिलीज डेट पर आएगा, न्यूट्रल ऑडियंस उसको देखने के लिए सिनेमाघरों में जाएगी। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल।